बाद मैंने स्पेशली निपुन से ना रेड वाइन मंगवाई है ठेके से। ऑड वन आउट लग रही हूँ, निपुन भी ब्लैक में है। 18,000 plus. So happening Saturday. Hello my happy faces. Welcome और welcome back to my channel. आज जो vlog की शुरुआत हो रही है ना वो actually कल नहीं but पिछली रात हो रही है because हम थोड़ी सी prep कर रहे हैं। Hi. Hi. So निपुन की दीदी और जीजू आ रहे हैं कल शाम को तो उनके साथ फन होगा और ये ब्लॉग उसी के बारे में होने वाला है बट थोड़ी सी प्रेप कर रहे हैं। मन करा कि चलो सांगरिया बनाते हैं तो आज मैंने स्पेशली निपुन से ना रेड वाइन मंगवाई है ठेके से तो लेकर आया है। मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स रेडी रखे हैं जो सांगरिया में डालेंगे। तो वैसे तो मैं सांगरिया पहले बना चुकी हूँ और उसकी रेसिपी मैं इंस्टाग्राम पे अपने डाल चुकी हूँ बट अब फिर से आज यू नो जो भी हैप्पी फेस नए नए हैं जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं अगर आपको सांगरिया अच्छी लगती है और रेड वाइन अच्छी लगती है खैर ऑफकोर्स अदरवाइज और एंड ऑल्सो इफ यू आर एन अडल्ट हु इज you know who can drink otherwise skip 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 but we are going to make sangria and hum ghar pe piyenge mast kal aur dikhate hain kaise banana hai to chalo let's start. Sabse pehle sangria of course without citrus fruits is absolutely incomplete. I think bada wala chakku lena chahiye tha kyunki isme thoda uneven kat raha hai. Ye to bilkul hi khatra chakku kisi kaam ka hi nahi hai ye. Nahi yaar isse to nahi hoga. Theek hai pet mein hi jana hai agar gol na bhi hua to kya ho gaya. Oh no. एंड द रीजन कि हम लोग सांगरिया एक रात पहले बना रहे हैं बिकॉज वो रेकमेंडेड हो जाए ताकि जो फ्रूट्स डालेंगे ना हम फ्रूट्स इन्फ्यूज हो जाए रेड वाइन से और फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है और सिट्रस फ्रूट्स डाल के ना सांगरिया और बहुत टेस्टी लगता है और पोमोग्रेनेट और एप्पल डालेंगे थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए। सबसे पहले हमारे पास है हमारी जेकब्स क्रेट। आई लव दिस वाइन एंड दिस इज रेड वाइन ऑफ कोर्स तो हम इसको एक इंडियन पतीले में डालने वाले हैं और इसमें इसको डाल के फिर हम फ्रिज में ओवरनाइट रखेंगे। तो चलो इसको खोलते हैं। तो ये जा रही है हमारी वाइन। दूसरी भी डालूं बॉटल मतलब ये कम नहीं है? कम लगता रही है। हम दूसरी बॉटल भी डाल ही रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि एक एक ग्लास तो सब पी ही लेते हैं। हम दूसरी बॉटल भी डाल रहे हैं। अब इसके बाद जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा रम डलता है। 1/4 कप डाल रहे हैं रम। और डालू थोड़ी सी और डाल देती हूँ स्वाद। हाँ बहुत थोड़ा सा शहद डालते हैं। वैसे इसमें मैंने ऑनलाइन देखी थी रेफर करी थी उसमें शुगर का सिरप डालते हैं मतलब शुगर को पानी में बना के एक सिरप बना के बट मुझे लग रहा है हम वो अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हनी है तो मैं थोड़ा सा हनी डालने वाली हूँ। Now is the fun part because we're gonna put fruit. So वैसे तो green apple डालते हैं but मेरे पास green apples नहीं थे तो ये normal। बताओ ना इसको छोटा काट काट के। दिख तो रहा है छोटा काटा हुआ है। महीन बारीक महीन। महीन महीन काटना है इसको। में हम डाल रहे हैं पूरा एक पूरा apple. So this is the entire apple. We are putting also some anar which is pomegranate. और अब हम डाल रहे हैं orange. ये ऑरेंज है मतलब ऑरेंज है कीनू है मेरे को नहीं पता बढ़िया ऑनलाइन मिल्क बास्केट में मिला था। तो बेसिकली ना जब ये डालेंगे ना तो ड्रिंक पे इसका इतना सही इन्फ्यूज फ्लेवर आ जाता है कि बहुत सही लगता है। एंड दैट्स इट हमारी सांगरिया हो गई है रेडी टू गो इन द फ्रिज। अब इसको ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा क्योंकि सारा फ्लेवर इन्फ्यूज जाएगा। फिर हम सोडा भी डालेंगे जब हम सर्व करने लगेंगे ना कल तो उससे पहले हम सोडा डालेंगे याद रखना पता चले हम भूल ही जाएं। अभी फ्रूट का फ्लेवर भी इन्फ्यूज होगा ना। अभी फ्रूट का फ्लेवर इन्फ्यूज होगा तो फ्रूटी भी होगा ये। अभी फ्रूटी भी होगा ये। Going into the fridge for like overnight और कल हम शायद इसको शाम को ही पीने वाले हैं तो मतलब काफी देर चला जाएगा ये। So yeah, that was our sangria recipe. Now back to the fresh day, which is the next day. Hello again. आज है नए दिन की शुरुआत और आज किचन में हो रहा है बहुत कुछ। आप लोग कभी कई बार पूछते हो कि यार आप कैसे बनाते हो ये सब। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी खाने वाली दीदी है जो मेरी हेल्प करती है किचन सारा उनका पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज नाश्ते में तो हम ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं जो हमारा टिपिकल है। वैसे तो सैटरडे संडे को हम पराठे वगैरह खाते हैं बट नहीं आज हम ब्रेड ऑमलेट खाएंगे। ब्रेड पड़ी है जो खराब हो सकती है तो इसलिए उसको यूटिलाइज करने के लिए दीदी एंड जीजू अगर कम बाय अराउंड 5 PM सो आई एम गोना हैव मैक्रोनी मेड बाय दीदी। सो लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स आई एम गोना शो यू। ये मैक्रोनी बॉयल हुई हुई है आई थिंक ये सफिशेंट रहेगी। प्याज टमाटर एंड ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो मैक्रोनी में जाने वाली हैं। सो खूब सारा मशरूम सिकम सारे अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे और ये थोड़े से अंडे हैं जो बचे हुए हैं एंड या जस्ट सम सीजनिंग और ये सब। तो हम थोड़ा सा वाइट सॉस बना रहे हैं जिसके लिए बटर में थोड़ा सा मैदा तो बस थोड़ा सा स्लो पे ही हो गया। हमने डाल दिया है दूध और इसके लम्स थोड़े से वो करने पड़ेंगे ना। हमने इस पर थोड़ी सी नमक थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी है और ये सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। हम डाल चुके हैं तेल लहसुन प्याज टमाटर मशरूम नहीं टमाटर नहीं लहसुन प्याज शिमला मिर्च सारी टाइप की मशरूम
मदर को जब घर में पूरा पोछा लग गया है, सब कुछ हो गया है, इनको तब याद आ रहा है कि पौधों में पानी। निपुण ये देख, निपुण फॉर रियल, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली। ओ माय गॉड, लुक एट, अभी बुरा फील हो रहा था मुझे, ये वाला पोछा ना कोई अच्छा पोछा है तो है नहीं। ओके, ऑन अ वेरी सेपरेट नोट, आई गॉट दीज हाई वेस्टेड ब्रीफ्स फ्रॉम नायका। तो इन्होंने ना नेकेड बाय नायका मसाबा का कलेक्शन निकाला है। मेरे पास ऑलरेडी मसाबा वाला नाइट सूट है जो कि काफ़ी सही है। सो एंड आई ऑलरेडी गॉट वन फॉर माई सेल्फ एंड आई लव्ड इट सो मच दैट आई ऑर्डर टू मोर फॉर माई सेल्फ। दिस कॉस्ट लाइक 500 रुपीज फॉर अ पेयर ऑफ लाइक टू पैंटीज एंड दे आर सो कम्फर्टेबल, दे आर लाइक सो लाइक ऐसे स्ट्रेचेबल, ब्रीदेबल एंड आई लव देम एंड ऑल्सो द प्रिंट्स आर लाइक सो क्यूट। तो आप लोग जाके नायका की वेबसाइट में, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी। इट्स ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने ये खरीदा है एंड 500 रुपीज़ का ईच है एंड इट वॉज रियली नाइस, सो वेरी कम्फर्टेबल, सो यू कैन चेक दैम आउट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं नहा के आ गई हूँ। आई वॉज लाइक कि मैं नाश्ता करूँगी, पहले नहा के आऊँगी फिर करूँगी। दीदी ने आज बहुत सारा काम कर दिया और बहुत किचन में हेल्प हो गई। वी हैव टू गो लाइक फॉर सम स्मॉल छोटू पुटू चीज़ें, तो हम बाहर जाएंगे इतनी गर्मी में, बट हम हर वीकेंड बाहर निकल चुके होंगे इतनी गर्मी में, पता नहीं हमें क्या मजा आता है। अभी मैं करती हूँ नाश्ता, किचन जो है वो समेट चुका है, मतलब सारा साफ हो चुका है, तो आई एम ग्लैड ये मैक्रोनी बन गई है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी खा लूँ थोड़ी सी, बट नहीं, हम नहीं खाएंगे, ये दूध बॉयल हो गया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो फ्रिज में है। एंड दिस इज द ऑमलेट, सो ये दो अंडों का ऑमलेट है और इसमें सारी सब्जियां जो मैंने दिखाई, और ये एक ब्रेड पीस हो गया। एंड लेट्स डिग इन। आज लग रहा है कोल्ड कॉफी का टाइम होने नहीं वाला है, तो देखेंगे बाहर से पी लेंगे, ये एक मौका है। अगर घर पे ना पी तो बाहर से पी सकते हैं कोल्ड कॉफी। तो थर्ड वेव की कॉफी मुझे बड़ी सही लगती है, तो शायद हम वहाँ से कैपेचिनो पी सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम ट्राई करा था। सो यह अभी खाना खाते हैं, लेट हो रहे हैं, तो फटाफट खाना खाते हैं और चलते हैं। मिस्टर हस्बैंड थोड़े लेट चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है तो मैं तैयार हो जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लूँ। दिस इज बाय रेयर ब्यूटी, ये शेड है होप और ये यूएस से है। तो अगर आप लोग जा रहे हो, कोई आ रहा है, तो मंगवा लो उससे, मैंने भी यही किया है और यहाँ मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ द ऑथेंटिसिटी। दैट्स इट, लाइक इट लुक्स सो नाइस। गोना गो विद अ लिटिल बिट ऑफ लानियाज का बेरी फ्रूट लिप बाम, सो दिस इज लाइक अ ग्लोई बाम, तो ये लगा लेते हैं। बाकी दीदी जी जो 5 बजे तक आएंगे, तो उसके बाद हम कहीं जाएंगे, तो तब तो तैयार होएंगे ही होएंगे, तो इसलिए मैं बिल्कुल मिनिमल कर रही हूँ अभी, ज्यादा कुछ नहीं। एंड आई एम रेडी, बट निपुण इज स्टिल नॉट रेडी एट, लेट्स सी वेयर इज एट। ये मिस्टर सचदेवा बिल्कुल रेडी है, 15 मिनट से वेट कर रही हूँ मैं इनकी, और हम लोग निकल चुके हैं। बाय द वे कल हमारे यूट्यूब पे कितने हो गए? 18,000 प्लस। ओ माय गॉड, आई लाइक तुम सोच रहे थे वैसे, बट आई स्पेंड लाइक 1 आवर रीडिंग ऑल द कमेंट्स ऑन द लेटेस्ट ब्लॉग दैट आई पोस्ट, मैंने सब लोड के देखा था। ओ माय गॉड, लाइक अमेजिंग, लाइक इतने अच्छे अच्छे कमेंट, मतलब मैं रात को सो रही थी ना, मेरे को इतना अच्छा लगा सोते हुए कि लाइक वाओ, मतलब इतना प्यार है लोगों के पास देने के लिए, आई मीन सो सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी हम लोग निकल रहे हैं, जैसे मैंने बोला, थोड़ा बहुत काम के लिए, सो वी आर गोना सी यू आफ्टर दैट। ओके, तो हम लोग ना मतलब काफी टाइम से थोड़े से बाहर हैं और अब लग रही है बहुत प्यास। टाइम क्या हुआ है? 1:30 बजने वाला है और प्यास लग रही है। गाड़ी में पानी हमने रखा नहीं था, तो अब ऑब्वियसली इस चीज़ से हमारा एक बहाना है कि हम कॉफ़ी पी सकते हैं। मतलब मैंने पुन को इतना शौक नहीं है कॉफ़ी का जितना मुझे है। तो हम लोग आए हैं वाटिका बिजनेस पार्क, उनके वाघ बकरी से, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हम। सो दैट इज प्लेस कॉल्ड एज थर्ड वेव कॉफ़ी, पता नहीं उन्होंने अपना नाम थर्ड वेव कॉफ़ी क्यों रखा है, या तो वो थर्ड वेव में चालू हुए होंगे, आई डोंट नो। आई लव देयर कॉफ़ी, so we're gonna go there and have coffee. We don't know if this place is like less explored or what, but office hai yahan pe, aur uske baad like kafi acha green area, fountain and all that, and then we have like wagh bakri, Starbucks, some banks, and then there is a third wave coffee. Yeah, ye aadmi 100 rupaye ka discount leke humne third wave pe sign up kari app se, to hume 100 rupaye ka discount mila jo ye likha hai yahan pe, and maine refer bhi kar diya nipun ko, to mere ko bhi ek free coffee mil gayi reference ke liye, aur tumhare ko 100, ha I'll do it. मैं अपना रेफरल कोड डाल रही हूँ यहाँ पे थर्ड वेव का, तो जितनी बार भी आप थर्ड वेव की कॉफी जो ऐप है वो डाउनलोड करोगे, तो मेरे को एक फ्री कॉफी मिलेगी। तो आप लोग वो देखो, तो आप लोगों को पता है कि मुझे कॉफी कितनी अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरा रेफरल कोड यूज करो और थर्ड वेव की कॉफी वाली जो ऐप है वो डाउनलोड करो, मुझे फ्री कॉफी मिलेगी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ऐप डाउनलोड कर लो मेरे रेफरल कोड से। हेलो, हम लोग
घर वापस आ चुके हैं, थोड़ा सा हमने रेस्ट भी करा, नैप टाइम हो गया और अब हम फटाफट तैयार हो रहे हैं, घर को एकदम टिप टॉप करने वाले हैं क्योंकि दीदी जी जो आने वाले हैं और एक सवा घंटे में। रात का हमारा शायद कोई प्लान है, हम रात को वहीं बाहर जाएंगे बिकॉज वी वांट टू लाइक गो आउट दिस टाइम एंड नॉट जस्ट डू द हाउस पार्टी स्टफ। सो वी विल सी हाउ दैट गोज, वी विल टेक यू गाइस अलोंग। एंड अभी फिलहाल के लिए थोड़ा किचन में चलते हैं और दिखाती हूँ क्या हो रहा है। अभी ये स्नैक्स की ट्रे है और थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी मंगवाई थी तो इसको पहले लगाते हैं। खाना तुम नहीं है, जो बचेगा स्नैक्स वो सारा हम ही खाएंगे, है ना, हम मतलब तुम। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, किचन विचन थोड़ा समेट लिया है, जो सब चीजें थी स्नैक्स लगा लिया है, ऑल्सो मेड शिकंजी, सम शिकंजी क्योंकि अभी गर्मी हो रही है ना तो वो आएंगे तो ठंडे ठंडे शिकंजी पीना अच्छा लगेगा। और उसके बाद देखेंगे थोड़ा थोड़ा खाना पीना चलता रहेगा। थोड़ा बहुत फटाफट से थोड़ी सी लिपस्टिक बना, थोड़ा सा उंगलियां बनाती हूँ क्योंकि जो आ गए हैं, मैंने बस फटाफट से वापस इस वही सेम चीज, थोड़ा सा ब्लश, थोड़ी सी लिपस्टिक और थोड़ा सा कंसीलर लगा के रेडी। अब देखते हैं अपन क्या कर रहा है, वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है। राइट, इट्स टाइम फॉर संग्रिया। हम लोग काफी देर से बैठ के गप मारे, मैं मिलवाऊंगी अभी दीदी जी से, बट इट्स टाइम फॉर संग्रिया, मजेदार। लेट मी पोर इट एंड ऑल्सो एड द सोडा। कल रात को मैंने डाल दिया था, बना दिया था संग्रिया विद ऑल द फ्रूट्स, बट सोडा डालना बहुत जरूरी है, वो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो वी विल डू दैट एंड हैव संग्रिया। बस इतना सा ही। We have our sangria and we also have Didi Jiju. Hello. आज फुल पार्टी करने का सीन है हमारा और अभी हम बस तैयार होके वो स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल के लिए सांग्रिया। तो ये रिपीट है क्योंकि हमारा मेमोरी कार्ड में एरर आ गया, बट वी आर ऑल रेडी। दीदी इज इन हर लिटिल ब्लैक ड्रेस, लुकिंग ऑल हॉट, रेडी टू पार्टी, रेडी टू पार्टी। और जीजू भी ब्लैक में मस्त एकदम, बस एक ऐसा लग रहा है मैं ऑड वन आउट लग रही हूँ। निपुन भी ब्लैक में है और हम लोग जा रहे हैं, लेट्स सी हाउ द इवनिंग स्पैंस आउट। एक्साइटेड। So we have our drinks, pretty drinks, everything is so yummy. It's a happening Saturday, we have actually come to one of our like go-to places where we every time come, 32nd Avenue, 32nd Milestone, and it's like so beautiful, like the lights and everything. Let's see if we actually get a place to sit because it's very difficult, it's a Saturday night, let's see.